हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन माइनस थ्री की पावर टू की पावर थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे पावर की पावर है और पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस थ्री की पावर टू की पावर थ्री है पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जो सिक्स माइनस थ्री की पावर सिक्स ये आंसर हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फोर ए नॉन जीरो नंबर की 8 X की पावर पावर डिवाइडेड टू इज़ इक्वल पर एक्स की वैल्यू नॉन जीरो रेशनल नंबर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर एट डिवाइडेड एक्स की पावर टू सेम बेस है सेम बेस में पावर सबटेक्ट हो जाती है एक्स की पावर यहाँ डिवाइड हो रहा है सेम बेस है पावर सबटेक्ट हो जाएंगे एट माइनस टू इक्वल एक्स की पावर सिक्स ये आंसर हो गया एक्स की पावर सिक्स बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू यहाँ सेम बेस है पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है ए की पावर एम प्लस एन ये आंसर हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर वन की पावर जीरो प्लस टू की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर जीरो इज इक्वल टू हंड्रेड की पावर जीरो है इसकी वैल्यू वन होगी या एक्स की पावर जीरो है इसकी वैल्यू वन होगी वन की पावर जीरो प्लस टू की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर जीरो इज इक्वल वन की पावर जीरो इसकी वैल्यू वन टू की पावर जीरो इसकी वैल्यू वन थ्री की पावर जीरो है इसकी वैल्यू वन इनको ऐड कर लेंगे थ्री हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वैल्यू ऑफ टेन की पावर ट्वेंटी टू प्लस टेन की पावर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन की पावर ट्वेंटी इसको लिख सकते हैं वन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू प्लस वन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी अपॉन टेन की पावर ट्वेंटी ऊपर से टेन की पावर ट्वेंटी कॉमन ले लेंगे यहाँ से टेन की पावर ट्वेंटी टू है और टेन की पावर ट्वेंटी कॉमन ले लिया है यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू टेन की पावर टू प्लस टेन की पावर ट्वेंटी कॉमन आ गया तो यहाँ से वन रह जाएगा अपॉन टेन की पावर ट्वेंटी ये टेन की पावर ट्वेंटी कैंसिल हो जाएंगे टेन का स्क्वायर हंड्रेड प्लस वन इज इक्वल हंड्रेड प्लस वन वन हंड्रेड वन ये आंसर हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसमें देख रहे हैं कहीं पॉइंट नहीं है लास्ट में पॉइंट मान लेंगे इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से जो पहला नेचुरल नंबर होगा उसके बाद लगाएंगे इस टाइप से यहां पॉइंट ले आएंगे वन पॉइंट टू थ्री फोर फाइव इंटू टेन की पावर अब यहां देखेंगे कि पॉइंट कितने प्लेस ये लेफ्ट साइड मूव किया है वन टू थ्री फोर टेन की पावर यहां हो जाएगा फोर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू वन गिवन ऑप्शन में देखेंगे किसकी वैल्यू वन आएगी देखते हैं टू की पावर जीरो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी थ्री की पावर जीरो है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी फोर की पावर जीरो है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री अब इसको देखते हैं थ्री की पावर जीरो है वन टू की पावर जीरो है इसकी वैल्यू वन इंटू वन वन में से वन करेंगे जीरो इंटू वन इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये भी नहीं है इसको देखते हैं थ्री की पावर जीरो है वन माइनस टू की पावर जीरो है वन यहाँ पे थ्री की पावर जीरो है वन प्लस वन वन में से वन जीरो इंटू वन प्लस वन टू और टू का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो ये भी नहीं है बी ऑप्शन को देखते हैं टू की पावर ज़ीरो है वन थ्री की पावर जीरो है वन फोर की पावर जीरो है वन वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन आएगा वन का मल्टीप्लाई वन में वन तो इसकी वैल्यू होगी वन बी ऑप्शन की जो वैल्यू आई है वो वन है इसलिए बी आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट स्क्वायर ऑफ माइनस टू अपॉन थ्री इज माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसे टू टाइम्स लिखेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्यूब ऑफ माइनस वन अपऑन फोर इज माइनस वन अपॉन फोर का क्यूब करेंगे इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस वन अपॉन फोर फोर जा सिक्सटी फोर ये आंसर हो गया माइनस वन अपॉन सिक्सटी फोर सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन टू अपॉन थ्री की पावर थ्री इंटू फाइव अपॉइंट सेवन की पावर थ्री इज इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम नहीं है टू अपॉइंट थ्री इंटू फाइव अपॉइंट सेवन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है तो बेस को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इंटू का साइन लगा देंगे पावर थ्री आ जाएगी इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं फाइव टू चाह टेन सेवन थ्री जैक ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेंटी वन की पावर थ्री यहाँ पे ऑप्शन में टू अपॉइंट थ्री इंटू फाइव अपॉइंट सेवन की पावर थ्री है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है इस टाइप से ऑप्शन होता तो इस टाइप से टिक लगाते लेकिन यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन गिविन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ये नंबर गिबिन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और केक की वैल्यू फाइंड करनी है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर कहीं पॉइंट गिविन नहीं है लास्ट में पॉइंट ले लेंगे इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में यहाँ लेके पॉइंट ये लास्ट की जीरो नहीं लगाएंगे इन टू टेन टू पावर अब पावर देखते हैं कितनी लिखेंगे यहाँ देखते पॉइंट कितने प्लेस मूव किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर पावर हो जाएगी एट और इसको कंपेयर कर देंगे k इन टू टेन टू पावर एट तो k की वैल्यू जो होगी वो एट पॉइंट टू नाइन जीरो थ्री होगी डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है चेक करते हैं थ्री का स्क्वायर नाइन होता है टू का क्यू एट होता है ये ट्रू है 4 का 64 होता है का होता टू की पावर 6 भी 64 होगा यहाँ पे इक्वल है है भी ट्रू है, 2 की फाइव थर्टी टू होता है फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है यह भी ट्रू है अब यहां देखते थ्री का क्यू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 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 जॉ नाइन नाइन थ्री ज्वेंटी सेवन थ्री का क्यू ट्वेंटी सेवन होता है और ये इक्वल दे रखा है नाइन के जो कि ट्रू नहीं है तो सी ऑप्शन नॉट ट्रू ये ट्रू नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच पावर ऑफ एट इज इक्वल टू टू की पावर सिक्स टू की पावर सिक्स टू को सिक्स टाइम्स लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू टू जा फोर फोर टू जै एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू थर्टी टू टू सिक्सटी फोर अब एट के स्क्वायर में लिखेंगे सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर होता है तो एट की पावर यहाँ पर टू है इसमें पूछा है कि पावर ऑफ एट एट की पावर टू होगी बी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेवन टू नाइन बेस थ्री है और बताना है कि थ्री की पावर कितनी होगी इसके प्राइम फैक्टर करेंगे थ्री से थ्री टू जै सिक्स थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री थ्री जै नाइन थ्री एट जै ट्वेंटी फोर थ्री वन जा थ्री थ्री टू जै सिक्स थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जै नाइन थ्री वंजा थ्री आप देखते हैं पावर कितनी आएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री की पावर सिक्स ये आंसर हो गया थ्री की पावर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है थ्री फोर जीरो नाइन वन टू थ्री फोर फाइव अब यहाँ लास्ट में पॉइंट लगा लेंगे इसको लेफ्ट साइड से वन नेचुरल नंबर के बाद लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट अब लिखेंगे थ्री पॉइंट फोर जीरो प्लेस कहते हैं कि पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट कितना मूव किया है टू इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एम के रूप में दे सकते हैं या फिलअप के रूप में दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए की पावर सिक्स इंटू ए की पावर फाइव इंटू ए की पावर जीरो इज इक्वल टू ए की पावर सिक्स इंटू ए की पावर फाइव इंटू ए की पावर जीरो सेम बेस है पावर ऐड हो जाएंगे ए की पावर सिक्स प्लस फाइव प्लस जीरो ए की पावर सिक्स और फाइव इलेवन हो जाएगा या इस टाइप से कर सकते हैं ए की पावर सिक्स इंटू ए की पावर फाइव एक की पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन अब एक की पावर सिक्स प्लस फाइव सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो जाएगा या इस टाइप से कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक की पावर इलेवन आगे के चैप्टर के एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे